नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे 15वां आईपीएल मुकाबला जो खेले जाने वाला है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेज लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। दोस्तों, मुकाबला 2 अप्रैल को खेले जाने वाला है। 7:30 पर मैच स्टार्ट होगा चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु की पिच पर। तो दोस्तों, आरसीबी की तरफ से कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा? विराट कोहली को कैप्टन वॉइस कैप्टन ट्राई करके चलें या फिर दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को सीवीसी ट्राई करके चलें? फाफ डू प्लेसी कंटिन्यू फ्लॉप चल रहा है क्या? दोस्तों, वो आज के मैच में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा। अगर लखनऊ की टीम से बात करें दोस्तों, तो केएल राहुल इंपोर्टेंट है या फिर क्यूंटन डिकोक इंपोर्टेंट है या फिर दोस्तों निकोलस पुरन को सीवीसी ट्राई करके चलें? कितने बैटिंग ऑर्डर आज के मैच में इंपोर्टेंट होंगे, कितने विकेट कीपर लेके चल सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, लगभग आपको 5 विकेट कीपर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 5 में से ग्रैंड लीग टीम में कितने विकेट कीपर इंपोर्टेंट है? बैटिंग सेक्शन की बात करें तो बैटिंग सेक्शन में दोस्तों कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा? हमारी यूनिक ग्रैंड लीग टीम किस प्रकार से बन सकती है? हमारी टीम में दोस्तों कौन सा खिलाड़ी कैप्टन हो सकता है? कौन से खिलाड़ी को वॉइस कैप्टन ट्राई करके चलना है? तो यह पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। प्लस में दोस्तों आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि एक ऐसा जबरदस्त ऑफर लेके आया हूं। क्योंकि मैंने आपको लास्ट मैच में बताया था कि आप 1 रुपए में ग्रैंड लीग खेल सकते हो। अगर दोस्तों आपने वो ऑफर मिस कर दिया तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इस बार दोस्तों मैं आपके लिए डबल धमाका लेके आया हूं। आप 1 रुपए में दोस्तों 2 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते चलना। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु की पिच किस प्रकार से है। अभी रिसेंट में दोस्तों आरसीबी की टीम इस पिच पर दोस्तों हार के आ रही है। क्या दोस्तों आज के मैच में आरसीबी की टीम विन कर सकती है, वो भी हम आगे बात करेंगे। क्योंकि रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आरसीबी का क्या परफॉर्मेंस है, एक बात आपको पहले ही बता देता हूं। लखनऊ की टीम से दोस्तों मयंक यादव रिसेंट में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि एक ही मैच खेला था, 3 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया था और दोस्तों मैच को विन करवा के लेके गया था। बात कर लेते हैं यहां पर पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच दोस्तों आपको बैटिंग पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर अभी तक 157 मैचेस खेले गए हैं। जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उस टीम ने लगभग 69 मुकाबले यहां पर जीत रखे हैं। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के लिए काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है, 86 मुकाबले सेकंड जो भी टीम चेस करती है उसने जीत रखे हैं। 2 मुकाबले दोस्तों इस पिच पर टाई भी हो चुके हैं। बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर के बारे में। जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर लगभग आपको 167 के करीब देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर आरसीबी का है इस पिच पर 263 रन। सबसे कम स्कोर दोस्तों आरसीबी का है ओनली 82 रन पे ऑल आउट है। अगर बात करें बॉलिंग के बारे में, लास्ट के जो 5 मैचेज इस पिच पर खेले गए हैं तो दोस्तों पेसर्स को यहां पर 34 विकेट और स्पिनर्स को ओनली 18 विकेट मिली है। यानी कि दोस्तों स्पिनर्स भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं, स्पिनर्स को भी लेके चलना है। प्लस में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। प्लस में दोस्तों आपके लिए पेसर्स के अकॉर्डिंग टीम बनाना जा रहे हो तो टीम में दोस्तों पेसर्स आपको लगभग 3 खिलाड़ी जरूर लेके चलने हैं। बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। तो यहां पर दोस्तों 150 से नीचे टोटल 157 मैचों में दोस्तों 48 बार स्कोर देखने को मिला है। 150-170 के बीच में 35 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 32 बार स्कोर है, 190 से ऊपर 42 बार यहां पर स्कोर देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों इस पिच पर बैटिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, एवरेज स्कोर भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और रिसेंट में दोस्तों यहां पर जो मैच खेला गया है आरसीबी और केकेआर का, यहां पर दोस्तों आरसीबी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन का टारगेट रखा था और केकेआर की टीम ने दोस्तों आराम से चेस कर लिया था 16 ओवर में। यहां पर स्पिनर्स को ओनली 2 विकेट मिली थी, पेसर्स को दोस्तों यहां पर 6 विकेट मिली थी। 2023 में आरसीबी और गुजरात के बीच में मैच खेला गया था जिसमें दोस्तों चेस करने वाली टीम ने ही मैच को विन किया था। 3 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 6 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली थी। उसके बाद दोस्तों पंजाब और आरसीबी के बीच में मैच खेला गया, यहां पर 4 विकेट स्पिनर्स को मिली थी और 8 विकेट दोस्तों पेसर्स को मिली थी। यहां पर भी चेस करने वाली टीम ने ही मैच को विन किया था। फिर दोस्तों लास्ट मैच है केकेआर और आरसीबी के बीच में, यहां पर 7 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 5 विकेट दोस्तों पेसर्स को। और पहले बैटिंग करते हुए दोस्तों केकेआर की टीम ने 200 रन का टारगेट रखा था और आरसीबी की टीम दोस्तों चेस नहीं कर पाई थी। यानी कि जो रिसेंट के अगर 4 मैचों की बात करें तो जो टीम दोस्तों चेस करती है उसके विनिंग चांसेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ग्रैंड लीग टीम की बात करें तो ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों जो टीम चेस करेगी, यानी कि दोस्तों लखनऊ की टीम अगर इस पिच पर चेस करने आती है तो उस टीम से आपको सीवीसी जरूर ट्राई करके चलने हैं। क्योंकि पिछले मैच में
दोस्तों केकेआर की तरफ से सुनील नारायण ने बहुत ही खतरनाक बैटिंग की थी स्टार्टिंग के ओवर में। लगभग दोस्तों 6 ओवर में ही टारगेट आपको लगभग देखने को मिल गया था 80 प्लस का। यहां पर दोस्तों जो टीम चेस करती है वो बैटिंग काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी उस टीम की तरफ से। उसी टीम में दोस्तों आपको ओपनिंग बैट्समैन में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे दोस्तों हम ज्वाइन कर सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग टीम, वो भी 1 रुपए में। तो दोस्तों 2 अप्रैल को जो मैच होने वाला है आरसीबी वर्सेस लखनऊ के बीच में, तो मैच से पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही डाउनलोड करें माई इलेवन सर्कल ऐप। और दोस्तों डाउनलोड करने के बाद यहां पर आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले मैंने जो डिस्क्रिप्शन में कूपन डाल रखा है, अगर आप वो कूपन लगाते हो और एक घंटे से पहले आप इस मैच में दोस्तों अपनी टीम बनाते हो, तो आप 1 रुपए में दोस्तों 2 मेगा ग्रैंड लीग खेल सकते हो, 2 टीम यहां पर बना सकते हो। प्लस में दोस्तों यहां पर मिनिमम फर्स्ट प्राइज आपको 1 करोड़ रुपए का देखने को मिलेगा। इस ऐप में दोस्तों आपके विनिंग चांसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप मेरा रेफर कूपन यहां पर लगाते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी देखने को मिलेगा। प्लस में दोस्तों 1500 रुपए का आपको वेलकम बोनस भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है ग्रैंड लीग, अगर आप विन करना चाहते हो तो इससे बढ़िया एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों आप प्रॉफिट बना सकते हो, प्लस में लॉस रिकवर कर सकते हो, क्योंकि एंट्री फीस आपको ओनली 1 रुपए की देखने को मिलती है। 1 रुपए में दोस्तों आप ग्रैंड लीग खेल सकते हो, 1 रुपए में आप यहां पर करोड़ों का प्राइज विन कर सकते हो। बाकी फैंटेसी टीम में दोस्तों आप लगभग 50-60-100 रुपए आप लगाते हो तब आपको 1-1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस एप्लीकेशन में दोस्तों आप 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए बना सकते हो। तो जल्दी से इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। 1 घंटे से पहले अगर आप टीम बनाते हो तो 1 रुपए में दोस्तों आप यहां पर 2 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बात कर लेते हैं हेड टू हेड के रिकॉर्ड के बारे में। जो दोनों टीमों के बीच दोस्तों लास्ट के 4 मैचेस खेले गए हैं उसमें लखनऊ की टीम ने हेड टू हेड में दोस्तों अभी तक 1 ही मुकाबला विन किया है, लेकिन आरसीबी की टीम ने दोस्तों 3 मुकाबले हेड टू हेड में विन कर लिए हैं। और रीसेंट के मैचों की बात करें तो लखनऊ की टीम ने दोस्तों रीसेंट में 2 ही मैच खेले हैं अभी तक, 1 मुकाबला ये टीम विन किया है, 1 मुकाबला दोस्तों इस टीम ने हारा है। लेकिन आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने दोस्तों 3 मैचेस खेले हैं, 3 में से 1 ही मुकाबला अभी तक विन किया है, 2 मुकाबले दोस्तों ये टीम रीसेंट में हार चुकी है। लेकिन दोस्तों हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात करें तो हेड टू हेड में 4 मैच दो लास्ट के इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, उसमें दोस्तों आरसीबी की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं आरसीबी की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों फाफ डू प्लेसी, उसके साथ विराट कोहली जो कि जबरदस्त फॉर्म में है, कंटिन्यू परफॉर्मेंस कर रहा है। नंबर 3 पे दोस्तों कैमरॉन ग्रीन, उसके बाद रजत पाटीदार जो कि कंटिन्यू फ्लॉप चल रहा है, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, फिर दोस्तों दिनेश कार्तिक और अनुज रावत विकेट कीपर ऑप्शन है। बॉलिंग सेक्शन से अलजारी जोसफ, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज और यश दयाल, ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल जाएगी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की। बात कर लेते हैं इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी दोस्तों रीसेंट में क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं फाफ डू प्लेसी की, जो कि रीसेंट के कंटिन्यू 3 मैचेस खेले हैं, 1 मैच में 35 रन का टारगेट है, बाकी के दोनों मैचों में ये खिलाड़ी फ्लॉप है। अगर दोस्तों आप यहां पर विराट कोहली को सीवीसी ट्राई कर रहे हो तो एक चीज नोट कर लेना, विराट कोहली का हेड टू हेड रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है, इससे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको फाफ डू प्लेसी का देखने को मिल जाएगा। और ये खिलाड़ी दोस्तों आपकी यूनिक ग्रैंड लीग टीम में सीवीसी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने दोस्तों हेड टू हेड में 4 मैचेस खेले हुए हैं, 219 रन इस खिलाड़ी के पास है, 73 की एवरेज स्कोर से ग्राउंड पे दोस्तों 49 का एवरेज स्कोर है और आईपीएल फॉर्मेट में 38 का एवरेज स्कोर है। और विराट कोहली की बात करें तो कंटिन्यू दोनों मैचों में परफॉर्मेंस है, 83 रन नाबाद, 1 मैच में 77 रन, और यहां पर पहले आईपीएल मैच में दोस्तों 21 रन का परफॉर्मेंस किया था। हेड टू हेड में 4 मैचेस टोटल 117 रन 29 के एवरेज स्कोर से, हेड टू हेड में दोस्तों लगभग ये खिलाड़ी फ्लॉप है। अगर ग्राउंड की बात करें तो 41 का एवरेज स्कोर होता है दोस्तों इस पिच पर, और आईपीएल फॉर्मेट में 239 मैचेस खेले हुए हैं, 38 का एवरेज स्कोर है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी की बात करें तो यहां से दोस्तों फाफ डू प्लेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, और हेड टू हेड प्लस वेन्यू दोनों फॉर्मेट में काफी अच्छी बैटिंग करता है। प्लस में ओवरऑल आईपीएल फॉर्मेट की बात करें तो 38 का एवरेज स्कोर है, और कंटिन्यू 2 मैचों से फ्लॉप भी है, 8 रन 3 रन यहां पर 1 मैच में, 35 रन का परफॉर्मेंस किया था। लेकिन
दोस्तों ये खिलाड़ी आपके लिए यूनिक ग्रैंड लीग टीम में यूनिक सीवीसी भी देखने को मिल सकता है और इस खिलाड़ी का आपको लो सिलेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों नंबर तीन पे कैमरॉन ग्रीन जो कि रिसेंट में 33 रन प्लस में 0 विकेट, उसके बाद 3 रन 0 विकेट, यहां पर 18 रन और 2 विकेट निकाली थी। हेड टू हेड में दोस्तों दो मैच इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 45 रन है प्लस में 1 विकेट है, ग्राउंड पे दोस्तों एक ही विकेट है, 3 मैचेस खेल चुका है, 41 रन इसके पास है, 13 के एवरेज स्कोर से, आईपीएल फॉर्मेट में 9 विकेट निकाल चुका है, 42 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, टोटल 506 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये भी आपके लिए यूनिक ग्रैंड लीग टीम में सीवीसी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये खिलाड़ी आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट करके देगा और इस खिलाड़ी का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा लगभग कमजोर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 मैच इस खिलाड़ी ने खेले हैं और 45 रन का परफॉर्मेंस है लेकिन 1 विकेट निकाल रखी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी दोस्तों रजत पाटीदार जो कि हेड टू हेड का एक ही मैच इस खिलाड़ी ने खेला था और 112 रन का परफॉर्मेंस किया था और रिसेंट के मैचों में दोस्तों कंटिन्यू ये 3 मैचों से फ्लॉप है, लेकिन उससे पहले वाले मैच में दोस्तों जो रिसेंट का परफॉर्मेंस है 73 रन भी आपको एक मैच में देखने को मिल जाएंगे, एक मैच में दोस्तों 22 रन है, ग्राउंड पे 2 मैचों में दोस्तों 21 रन और आईपीएल फॉर्मेट में 32 का एवरेज स्कोर है। रजत पाटीदार दोस्तों ट्रंप प्लेयर हो सकता है, ऊपर के जो 4 के 4 बैटिंग ऑर्डर हैं आरसीबी की तरफ से वो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और यहां पर सीवीसी की बात करें तो दोस्तों कैमरॉन ग्रीन आपके लिए सीवीसी में चॉइस हो सकता है, यूनिक कैप्टन प्लस यूनिक वॉइस कैप्टनसी में। नंबर 2 पे दोस्तों फाफ डुप्लेसी यूनिक सीवीसी में देखने को मिल सकता है, ग्लेन मैक्सवेल का हाई सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, रिसेंट में 28 रन उसके बाद 3 रन 2 विकेट, हेड टू हेड में दोस्तों 4 मैच इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं, 95 रन है, 23 के एवरेज स्कोर से प्लस में 2 विकेट भी निकाल रखी है, ग्राउंड की बात करें तो 15 मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 334 रन है, 23 के एवरेज स्कोर से प्लस में दोस्तों 7 विकेट भी इसके पास है, आईपीएल फॉर्मेट में 126 मैचेस खेल चुका है, 33 विकेट भी है, 27 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, टोटल 2750 रन इस खिलाड़ी ने आईपीएल फॉर्मेट में बनाए हुए हैं। हाई सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, ऑलराउंडर में अभी के लिए ड्रॉप भी करके चल सकते हो, उसकी जगह दोस्तों आप बॉलिंग सेक्शन से यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी ऑलराउंडर में ट्राई करके चल सकते हो, कुणाल पांड्या अच्छी चॉइस है, बैटिंग से परफॉर्मेंस करके देगा प्लस में कंप्लीट 4 ओवर भी आपको करवा के देगा। उसके बाद दोस्तों दिनेश कार्तिक विकेट कीपर ऑप्शन, रिसेंट में 20 रन उसके बाद 28 रन नाबाद, फिर दोस्तों 38 रन नाबाद उसके बाद 31 रन, हेड टू हेड के 4 मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 67 रन है और ग्राउंड पे 19 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 27 का एवरेज स्कोर है, विकेट कीपर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, कंटिन्यू दोस्तों ड्रीम टीम में देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करेंगे अनुज रावत की, ये भी दोस्तों विकेट कीपर ऑप्शन है, रिसेंट में 3 रन उसके बाद 11 रन, हेड टू हेड में 2 मैच इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं, 13 रन है प्लस में 6 का एवरेज स्कोर दोस्तों हेड टू हेड में होता है, ग्राउंड की बात करें तो 5 मैचों में 52 रन है 26 के एवरेज स्कोर से, आईपीएल फॉर्मेट में दोस्तों 21 का एवरेज स्कोर है। उसके साथ अलजारी जोसफ रिसेंट में फ्लॉप है, उसके बाद 1 विकेट, फिर कंटिन्यू 2 मैचों में फ्लॉप है, उसके बाद दोस्तों 1 विकेट है, हेड टू हेड के 2 मैच खेले हुए हैं और दोनों के दोनों मैचों में दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लॉप था, एक भी विकेट देखने को नहीं मिली, ग्राउंड पे 1 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में भी दोस्तों 22 मैचों में 21 विकेट है। इन दोनों खिलाड़ियों में से बात करें दोस्तों तो यहां से अभी के लिए मैं अलजारी जोसफ को भी ड्रॉप करने वाला हूं, क्योंकि इस पिच पर इस खिलाड़ी का इतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहां से मयंक डागर जो कि रिसेंट में 1 विकेट, उसके बाद फ्लॉप है कंटिन्यू, फिर यहां पर 1 विकेट और 3 विकेट, हेड टू हेड में दोस्तों पहला मैच ये खिलाड़ी खेलने वाला है, ग्राउंड पे 1 ही विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 2 विकेट निकाल चुका है टोटल 6 मैचों में। उसके साथ दोस्तों मोहम्मद सिराज रिसेंट में ये भी फ्लॉप चल रहा है, फिर यहां पर 1 मैच में 2 विकेट, फिर कंटिन्यू 2 मैचों में फ्लॉप, फिर 1 विकेट, हेड टू हेड में दोस्तों 6 विकेट है और ग्राउंड पे 21 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 80 विकेट यहां से निकाल चुका है। मोहम्मद राज को दोस्तों ट्राई करके चल सकते हो, वैसे कोई भी खिलाड़ी दोस्तों हेड टू हेड में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है बॉलिंग सेक्शन से, सभी के सभी खिलाड़ी दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में मुझे फ्लॉप लग रहे हैं, छोड़ के मोहम्मद सिराज को, क्योंकि इसने 4 मैचों में दोस्तों 6 विकेट निकाली हुई है। उसके बाद यश दयाल रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में 1-1 विकेट लेके जा रहा है, हेड टू हेड में दोस्तों 1 ही मैच खेला था, 2 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया, ग्राउंड पे दोस्तों 3 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 16 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है टोटल 17 मैचों में। ये दोस्तों फाइनली आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें आने वाली लगातार अपडेट के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है।
बात कर लेते हैं दोस्तों इनके स्टार्टिंग और डेथ में, जो बॉलर बॉलिंग करवाएगा उनका कौन कौन क्या परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस तो मैंने आपको दिखाई दिया है, कौन से खिलाड़ी को सीवीसी ट्राई करके चल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आपको मोहम्मद सिराज, उसके साथ यश दयाल, उसके साथ आपको अलजारी जोसफ। डेथ में दोस्तों अलजारी जोसफ के साथ मोहम्मद सिराज, यश दयाल और विजय कुमार, ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, क्योंकि विजय कुमार दोस्तों रिसेंट का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा स्पेल करवाया था उस खिलाड़ी ने केकेआर के सामने। बाकी के मैचों में भी दोस्तों उस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया हुआ है। यहां से मैं आपको दिखा भी देता हूं क्या परफॉर्मेंस कर रहा है दोस्तों। यहां से यश दयाल, सॉरी यहां पर विजय कुमार, रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में एक एक विकेट है। आईपीएल फॉर्मेट में दोस्तों 8 मैच इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं, 10 विकेट है, ग्राउंड पे 8 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है। उसके साथ दोस्तों यहां से अगर करण शर्मा खेलता है, इंपैक्ट प्लेयर भी होता है, तो ये खिलाड़ी आपके लिए ट्रंप प्लेयर होगा। 2 मैच इस खिलाड़ी ने हेड टू हेड में खेले हैं, 3 विकेट है और ग्राउंड पे दोस्तों 11 विकेट निकाल चुका है। आईपीएल फॉर्मेट में 70 विकेट इस खिलाड़ी के पास है। यहां से दोस्तों अगर करण शर्मा खेलता है तो ट्रंप प्लेयर होगा, विजय कुमार खेलता है तो ड्रॉप के नहीं चलना है। लोकी फर्गुसन भी रिसेंट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन हेड टू हेड वेन्यू पे दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लॉप है। आईपीएल फॉर्मेट में 37 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है। तो यहां से दोस्तों कोई भी खिलाड़ी फाइनल प्लेइंग 11 में अपडेट होता है, वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेयर बैटल के बारे में, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों किस बॉलर के सामने कम परफॉर्मेंस करता है। सबसे पहले दोस्तों फाफ डुप्लेसी, नवीन के सामने दोस्तों 3 बार आउट कर चुका है नवीन फाफ डुप्लेसी को, और यहां से मोहसिन खान 1 बार, कुणाल पांड्या 1 बार, अमित मिश्रा दोस्तों 1 बार आउट कर चुका है, विराट कोहली को दोस्तों अमित मिश्रा 3 बार आउट कर चुका है लेकिन रन भी काफी ज्यादा दे रखे हैं, रवि बिश्नोई 1 बार कर चुका है, कुणाल पांड्या 1 बार आउट कर चुका है, कैमरून ग्रीन को दोस्तों नवीन 1 बार आउट कर चुका है, ग्लेन मैक्सवेल को अमित मिश्रा 5 बार आउट कर चुका है, कुणाल पांड्या भी 3 बार कर चुका है, बिश्नोई भी दोस्तों 1 बार आउट कर चुका है, दिनेश कार्तिक को दोस्तों कुणाल पांड्या 2 बार और अमित मिश्रा 2 बार। अगर यहां से अमित मिश्रा दोस्तों खेलता है तो ये आपके लिए ट्रंप खिलाड़ी होगा, क्योंकि इस खिलाड़ी का प्लेयर बैटल में 5 के 5 दोस्तों जो बैटिंग ऑर्डर है, 5 के 5 बैटिंग ऑर्डर को लगभग दोस्तों 1 बार 2 बार 3 बार आउट कर चुका है। यहां से आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा अमित मिश्रा, प्लस में दोस्तों कुणाल पांड्या आपके लिए ट्रंप प्लेयर हो सकता है। बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों यहां से केएल राहुल, उसके साथ क्विंटन डिकॉक, उसके बाद देवदत्त पाडिकल, उसके बाद आयुष बडोनी, निकोलस पुरन और मार्कस टोइनिस, उसके साथ दोस्तों कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और यहां से मयंक यादव, उसके बाद दोस्तों यहां पर सिद्धार्थ। ये आपको फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स की। यहां से दोस्तों कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगा, विकेट कीपर में केएल राहुल को सीवीसी ट्राई करके चले, या फिर दोस्तों क्विंटन डिकॉक को, या फिर निकोलस पुरन को। देवदत्त पाडिकल रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में फ्लॉप है, प्लस में दोस्तों मार्कस टोइनिस का भी इतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। बात कर लेते हैं इनके फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से। सबसे पहले दोस्तों यहां से केएल राहुल रीसेंट के मैच में 15 रन, उसके बाद 58 रन, उसके बाद 21, 56, 66 रीसेंट के मैचों में दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, हर मैच में परफॉर्मेंस करके जा रहा है। हेड टू हेड में 14 मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 626 रन है, लगभग दोस्तों 70 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है और ग्राउंड पे 36 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 47 का एवरेज स्कोर है, काफी अच्छी बैटिंग करता है केएल राहुल। प्लस में क्विंटन डिकॉक दोनों का हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड दोस्तों काफी अच्छा है, क्विंटन डिकॉक भी रिसेंट में 54 रन का परफॉर्मेंस करके आ रहा है, हेड टू हेड में 11 मैच, टोटल 371 रन, 33 के एवरेज स्कोर से, ग्राउंड पे दोस्तों 42 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 33 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का है। दोनों का दोस्तों हेड टू हेड प्लस वेन्यू दोनों फॉर्मेट में काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, दोनों खिलाड़ियों को आप सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो और दोनों खिलाड़ियों को दोस्तों आप अगर एवरेज की बात करें, परसेंटेज की बात करें, ड्रीम फैंटेसी की बात करें तो दोनों का बहुत ही लो सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। केएल राहुल की बात करें तो एक खिलाड़ी का दोस्तों आपको लो सिलेक्शन देखने को मिलेगा, या तो क्विंटन डिकॉक का या फिर दोस्तों केएल राहुल का, क्योंकि 5 विकेट कीपर ऑप्शन है, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, निकोलस पुरन, अनुज रावत और यहां से दिनेश कार्तिक और दोस्तों यहां से निकोलस पुरन, लगभग दोस्तों 5 यहां से आपको विकेट कीपर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, 5 में से लगभग आपको 3 विकेट कीपर तो पिक करके चलने ही चलने हैं।
बात कर लेते हैं नंबर 3 के बैटिंग ऑर्डर के बारे में। देवदत्त पाडिकल रिसेंट में 9 रन फिर फ्लोप है, फिर यहां पर रिसेंट के मैचों में 114 93 रन नाबाद, उसके बाद 70 रन। हेड टू हेड में 5 मैच इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं, 109 रन का परफॉर्मेंस है 21 के एवरेज स्कोर से। ग्राउंड पे दोस्तों 52 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 27 का एवरेज स्कोर है। उसके साथ आयुष बडोनी रिसेंट में 8 रन 1 रन 0 विकेट, 87 रन 1 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 13 रन 0 विकेट। हेड टू हेड में 3 मैच टोटल 47 रन है, 15 के एवरेज स्कोर से। ग्राउंड पे दोस्तों 30 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 2 विकेट है, 21 का एवरेज स्कोर बैटिंग से। टोटल 408 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। देवदत्त पाडिकल दोस्तों यहां से इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकता है, क्योंकि रिसेंट का परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी का काफी अच्छा था और रिसेंट के दोनों आईपीएल मैचों में ये खिलाड़ी फ्लोप है। तो शायद आज के मैच में ये खिलाड़ी आपको ट्रम्प प्लेयर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सामने बॉलिंग लाइनअप है इतना अटैकिंग बॉलिंग लाइनअप नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि सामने आपको यहां पर विजय कुमार है, प्लस में दोस्तों यश दयाल जो कि रिसेंट में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, उसके साथ दोस्तों आपको यहां पर अलजारी जोसफ जो कि हेड टू हेड में लगभग फ्लोप है, मोहम्मद सिराज का आप लगा लो कि उस खिलाड़ी का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके बाद दोस्तों सभी खिलाड़ी इतना खास परफॉर्मेंस बॉलिंग सेक्शन से देखने को नहीं मिल रहा है। उसके साथ दोस्तों विकेट कीपर ऑप्शन निकोलस पोरन जो कि कंटिन्यू दोनों मैचों में परफॉर्मेंस किया है, 42 रन और 64 रन नाबाद। हेड टू हेड में 8 मैच इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं, 162 रन है 23 के एवरेज स्कोर से। ग्राउंड पे दोस्तों 54 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 29 का एवरेज स्कोर है। टोटल 1376 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं दोस्तों आईपीएल फॉर्मेट में। और लगभग दोस्तों जब भी लखनऊ का मैच होता है तो मैं इस खिलाड़ी को वॉइस कैप्टन ट्राई करके चलता हूं स्मॉल लीग टीम में। स्मॉल लीग टीम में दोस्तों मैं आपको कंटिन्यू करवा रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पे मैंने टीम डालता हूं कंटिन्यू, अगर आप वहां पर ज्वाइन नहीं हो तो जाके देख भी सकते हो। कंटिन्यू अच्छी टीम बन रही है, अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है, प्लस में सीवीसी भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके बाद दोस्तों मार्कस स्टोइनिस रिसेंट के दोनों मैचों में बॉलिंग करवा नहीं रहा है और रिसेंट में 19 रन 3 रन, और उसके पहले वाले मैच का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है 16 रन 3 विकेट, 9 रन 2 विकेट, 38 रन 1 विकेट। हेड टू हेड में 10 मैच इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं, 243 रन है 34 के एवरेज स्कोर से। विकेट इसके पास नहीं है, ग्राउंड पे दोस्तों 35 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 39 विकेट निकाल चुका है। टोटल 26 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है और 1500 रन ये खिलाड़ी कंप्लीट कर चुका है। उसके साथ दोस्तों कुणाल पांड्या जो कि रिसेंट में 43 रन नाबाद, प्लस में 0 विकेट। अगर दोस्तों ये 2 विकेट भी ले लेता तो ये खिलाड़ी आपको यूनिक सीवीसी में देखने को मिल जाता। रिसेंट में भी 43 रन नाबाद, प्लस में 0 विकेट। हेड टू हेड के मैचों की बात करें तो 12 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है, 16 का एवरेज स्कोर बैटिंग से। टोटल दोस्तों 167 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं 6 मैच दोस्तों ग्राउंड पे, और 106 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं 35 के एवरेज स्कोर से, प्लस में 2 विकेट है। आईपीएल फॉर्मेट में 70 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है। आज के मैच में इंपोर्टेंट प्लेयर होगा, ड्रॉप करके नहीं चलना है, क्योंकि ये खिलाड़ी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको परफॉर्मेंस करके देगा। उसके बाद दोस्तों रवि बिश्नोई रिसेंट में फ्लोप है, फिर 1 विकेट, फिर फ्लोप गए, फिर 2 विकेट, फिर फ्लोप। आज के मैच में 1 विकेट आप इस खिलाड़ी की मान के चल सकते हो। हेड टू हेड में 8 विकेट इसके पास है, ग्राउंड पे दोस्तों फ्लोप है, लेकिन आईपीएल फॉर्मेट में 54 विकेट निकाल चुका है टोटल 53 मैचों में। उसके साथ दोस्तों मोहसिन खान जो कि रिसेंट में 2 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, उसके बाद 2 विकेट, आईपीएल फॉर्मेट में 20 विकेट निकाल चुका है टोटल 15 मैचों में। हेड टू हेड में दोस्तों 1 ही विकेट है। उसके साथ दोस्तों मयंक यादव जो कि आईपीएल में पहला मैच खेला था और पहले ही मैच में 3 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया था, बाकी के दोस्तों हर मैच में इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस भी किया हुआ है, काफ़ी अच्छा स्पेल करवाया था, और इसी खिलाड़ी की बदौलत दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मैच को विन करके गई थी। आज के मैच में दोस्तों इस खिलाड़ी का फिर से आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर सिद्धार्थ फाइनल बॉलर रिसेंट में फ्लोप गया, कंटिन्यू दोनों मैचों में, उसके बाद 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है, आईपीएल फॉर्मेट में 1 ही मैच खेला था जिसपे दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लोप था। ये आपको फाइनली लखनऊ सुपर जायंट्स के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग और डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, स्टार्टिंग में दोस्तों आपको यहां पर सिद्धार्थ, उसके साथ नवीन उलहग, उसके साथ दोस्तों मोहसिन खान। डेथ में आपको नवीन उलहग, मोहसिन खान, कुणाल पांड्या और मयंक यादव, ये खिलाड़ी दोस्तों आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं। और यहां से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, फिर से दोस्तों मयंक यादव आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकता है। बात करेंगे दोस्तों इनके फाइनली इंपैक्ट प्लेयर पे, या फिर आपको बेंच प्लेयर जो देखने को मिल सकते हैं, दीपक हुड्डा है, मार्ट हेनरी है,
केएल मायरस है, नवीन उलहग है, यश ठाकुर है, अमित मिश्रा है। अमित मिश्रा दोस्तों हेड टू हेड में 19 विकेट निकाल चुका है, पिच पे 5 विकेट है और 173 विकेट दोस्तों आईपीएल फॉर्मेट में इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है। नवीन उलहग रिसेंट में फ्लॉप है, बाकी के कंटिन्यू 2 मैचों में विकेट है, हेड टू हेड में 3 विकेट है। ग्राउंड पे दोस्तों पहला मैच है, 13 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है आईपीएल फॉर्मेट में। यहाँ से दोस्तों कोई भी खिलाड़ी फाइनल प्लेइंग 11 में अपडेट होगा वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके प्लेयर बैटल के बारे में। तो केएल राहुल दोस्तों यहां पर मोहम्मद सिराज एक बार आउट कर चुका है, फर्गुसन एक बार कर चुका है, क्विंटन डिकॉक को दोस्तों मोहम्मद सिराज 2 बार और करण शर्मा दोस्तों एक बार, यश दयाल एक बार, ग्लेन मैक्सवेल एक बार, उसके साथ दोस्तों देवदत्त पाडिकल, यश दयाल दोस्तों 2 बार आउट कर चुका है, 2 बार कर चुका है लोकी फर्गुसन, एक बार कर चुका है मोहम्मद सिराज, निकोलस पोरन को दोस्तों 2 बार आउट कर चुका है अलजारी जोसफ, एक बार करण शर्मा, एक बार दोस्तों मोहम्मद सिराज, मार्कस टोइनिस को दोस्तों 2 बार आउट कर चुका है करण शर्मा और मोहम्मद सिराज दोस्तों अभी तक आउट नहीं कर पाया है। ये टोटल 5 खिलाड़ी है, 5 खिलाड़ियों का दोस्तों आपको प्लेयर बैटल देखने को मिल जाएगा जो स्टार्टिंग में आपको बैटिंग लाइनअप देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे फैंटेसी के सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी प्लस में आज के 4 ट्रम्प प्लेयर कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं। तो यहां से हाई सिलेक्शन में फाफ डुप्लेसी विराट कोहली, उसके साथ ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, ऊपर के चार बैटिंग ऑर्डर हाई सिलेक्शन में है। और यहां से दोस्तों केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पोरन, यहां से मार्कस टोइनिस का भी हाई सिलेक्शन है दोस्तों ऑलराउंडर में। ये टोटल आपको 8 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जिनका आज के मैच में सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ट्रम्प प्लेयर में आपको रजत पाटीदार, मोहम्मद सिराज, इधर से दोस्तों मोहसिन खान और बॉलिंग सेक्शन से मयंक यादव, ये 4 खिलाड़ी हैं जो आज के ट्रंप प्लेयर होंगे, क्योंकि आपने यहां पर मोहसिन खान को भी ड्रॉप करके रखा होगा, मयंक यादव भी ड्रॉप है, रजत पाटीदार को भी नहीं लिया होगा, मोहम्मद सिराज जो कि कंटिन्यू फ्लॉप चल रहा है इसको भी ड्रॉप किया होगा। ये 4 के 4 खिलाड़ी दोस्तों आपके लिए ट्रंप प्लेयर हो सकते हैं। और अभी तक दोस्तों अगर आपने माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से आज ही माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। प्लस में दोस्तों यहां पर बनाएं 1 रुपए में 2 मेगा कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हो। प्लस में यहां पर मिनिमम फर्स्ट प्राइज ही दोस्तों 1 करोड़ रुपए है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करते हो तो यहां से दोस्तों आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश, प्लस में दोस्तों 1500 रुपए का वेलकम बोनस। तो जल्दी से दोस्तों माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, प्लस में इसी पे बनाएं अपनी यूनिक ग्रैंड लीग टीम। प्लस में दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको एंट्री फीस ना के बराबर देखने को मिलती है, प्लस में दोस्तों विनिंग के चांसेस काफ़ी हाई देखने को मिल जाते हैं। मैं कंटिन्यू दोस्तों इसी एप्लीकेशन पे खेल रहा हूँ, प्लस में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रहा हूँ। तो जल्दी से आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की हमारी फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में। एक टीम में दोस्तों क्विंटन डिकॉक को कैप्टन, एक टीम में वॉइस कैप्टन निकोलस पोरन, कैप्टन दोस्तों केएल राहुल, यहाँ से कैप्टनसी में मैंने लगा रखा है क्विंटन डिकॉक और दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल। नीचे आपको 3 बॉलिंग सेक्शन, यहां से 4 बॉलिंग सेक्शन जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे कॉम्बिनेशन के हिसाब से। बात करें अगर मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम होगी वो दोस्तों को किस प्रकार से होगी, कितने विकेट कीपर लेके चलूंगा, कितने बैटिंग ऑर्डर, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं विकेट कीपर के बारे में। तो यहां से दोस्तों मैं विकेट कीपर में क्विंटन डिकॉक को ट्राई करके चलूंगा, उसके साथ दोस्तों निकोलस पोरन रहेगा, उसके साथ यहां पर केएल राहुल जिसका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है, लेकिन दोस्तों यहां से मैं दिनेश कार्तिक को ट्राई करने जा रहा हूं जो कि मेरा ट्रंप प्लेयर होगा। 3 के 3 आपको विकेट कीपर ऑप्शन ये देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ दोस्तों 1-2 टीम का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें मैं केएल राहुल को भी पिक करूंगा। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो दोस्तों यहां पर बैटर में मैं जो ट्राई करके चलूंगा फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली को अभी के लिए दोस्तों ड्रॉप करने वाला हूं, उसके साथ में रजत पाटीदार यहां पर रहेगा, उसके साथ दोस्तों ट्रंप प्लेयर मेरा देवदत्त पाडिकल। 3 यहां पर बैटिंग ऑर्डर। ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में दोस्तों कुणाल पांड्या रहेगा, उसके साथ कैमरॉन ग्रीन जो कि नंबर 3 पर बैटिंग करेगा, प्लस में ओवर भी करवा रहा है रिसेंट में और परफॉर्मेंस कर सकता है। उसके साथ दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं, बॉलिंग सेक्शन में मोहसिन खान, उसके साथ दोस्तों यहां पर मयंक यादव, उसके साथ दोस्तों विजय कुमार, उसके साथ यहां पर मेरा खिलाड़ी रहेगा मोहम्मद सिराज। ये मेरे दोस्तों खिलाड़ी रहेंगे जो कि ट्रंप प्लेयर हो सकते हैं इस टीम में। दोस्तों आपको ट्रंप प्लेयर प्लस में सेफ खिलाड़ी प्लस में कैप्टन वॉइस कैप्टन च्वाइस के बारे में बात करें, अगर दोस्तों यहाँ पर RCB की टीम पहले बैटिंग करती है तो कैप्टनसी में मेरा रहेगा फाफ डुप्लेसी, यूनिक ग्रैंड लीग टीम में। वॉइस कैप्टन दोस्तों मैं ट्राई करके चलूंगा एक टीम में यहाँ पर मयंक यादव को।
या फिर वॉइस कैप्टनसी में दोस्तों निकोलस पूरन फिर से मेरी नंबर 3 की यूनिक ग्रैंड लीग टीम में हो सकता है, या फिर दोस्तों अगर यहाँ से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप यहाँ पर क्विंटन डिकॉक को सीवी से ट्राई करके चल सकते हो, प्लस में केएल राहुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों ट्रंप प्लेयर में देवदत्त पाडिकल को ट्राई करने वाला हूँ जो कि हेड टू हेड में काफ़ी अच्छी बैटिंग करता है। ये मेरी दोस्तों फाइनल ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।